खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। दो राज्यों के दो गांवों के बीच हिंसक झड़प, कई लोग घायल। बिहार के नवादा जिला के गोविंदपुर थाना के बारटार और झारखंड सतगावा थाना के कटैया गांव के ग्रामीणों के बीच रविवार को पाइन भरकर सड़क निर्माण को लेकर दोनों गांवों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गया और दोनों तरफ से घंटों पत्थरबाजी होते रहे, जिसमें दोनों पक्ष से लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना स्थानीय थाना को फोन कर दिया गया। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद तथा बीडीओ कुंज हारी सिंह एवं झारखंड के सतगावा थाना प्रभारी अरविंद कुमार बीडीओ वैजनाथ उराव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामला को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग पुलिस के सामने भी पत्थर चलाते रहे। मामला को बिगड़ते देख गोविंदपुर थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारी को फोन कर सूचना दिया और अतिरिक्त बल का मांग किया। सूचना मिलते ही नवादा ASP अभियान कुमार आलोक तथा SDO चंद्रशेखर आजाद ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराया तथा दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को थाने में बुलाकर बातचीत किया और मामले की जानकारी ली। ASP अभियान कुमार आलोक और SDO चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक उक्त स्थल पर काम को रोक लगा दिया गया है। झारखंड के कटैया अर्जुन यादव ने कहा कि गोविंदपुर के मुखिया ने रोड कटवा दिया यार, ट्रैक्टर पड़ोड़ा ने कराया और रोड बाजी करवाया। साथ ही अर्जुन प्रसाद यादव ने आगे कहा कि मुख्य गाड़ी को गाड़ी ईटा लोड ट्रैक्टर को हम लोगों ने अपना कब्जा में कर अपने घर के पास लगा दिया है। मैंने भी अभी कहा कि हम सब ग्रामीण श्रमदान से सड़क बना रहे हैं, जिससे बारटार के लोगों ने रोक लगा रखा है। वहीं बिहार गोविंदपुर थाना के बारटार के ग्रामीणों का कहना है कि कटैया के लोग दबंग ताई से रात्रि में पाइन को भरकर सड़क बना रहे हैं। विरोध करने पर कटैया के लोग हम लोग के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे गांव के लगभग 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 महिला व 6 पुरुष घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज गोविंदपुर CSCC में कराया जा रहा है। साथ ही बारटार के ग्रामीणों ने यह भी कहा कि मुखिया जी का ईटा लोड जो ट्रैक्टर कटैया के लोग ले गए हैं, वह ट्रैक्टर पर 7 निश्चय योजना के तहत हो रहे कार्यों को लेकर ईटा लाया जा रहा था, जिसे कटैया के लोग दबंग ताई से ड्राइवर के साथ मारपीट कर चाबी छीनकर ईट लोड गाड़ी को अपने घर के पास ले जा करके लगा दिए हैं और सारा ही तक खाली कर लिया। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हम लोगों का खेत पटवन के एकमात्र साधन पाइन है और पाइन को भरकर सड़क बना दिया गया है, तो हम लोगों को सैकड़ों एकड़ जमीन पर इतरा जाएगा और हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। क्या आपको जानकारी है? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद यादव, मेरा घर कटैया हुआ। ये बाराताल और कटैया से जाने के लिए, गोविंदपुर जाने के लिए जो रास्ता बना आज कुछ साल पहले, उस जमीन को दर्शन का में जा करके पब्लिक का जमीन था, जहाँ कटैया का लोग चंदा कर करके और 85% उसमें जितना भी पैसा लगा वो कटैया के लोग उस जमीन को खरीद दिए। और खरीदने के बाद में जब वो रोड बना, यही बाराटाल वाले सब बोले थे कि आप लोग का भी जो इधर आहार से जो रास्ता है उस रास्ते को आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इस रास्ते से आते जाते थे। इस रास्ते में आने जाने में थोड़ा असुविधा हो रही थी, जो वर्षा वगैरह होने से गाड़ी इधर उधर हो जाती थी। और उसके बाद हम लोग सोचे कि इसमें मोरम डाल दें। मोरम डालने लगे, बैठक भी हुई। बैठक होने के बाद वो लोग बोला कि आप लोग बना ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जब बनाना शुरू किए तो गोविंदपुर पंचायत की मुखिया अफरोजा खातून ने आकर वहाँ पर जो है अब बाधा पहुँचाई और रास्ते को काट दी। काटने के बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे, हम लोग सिर्फ झारखंड के एरिया में भी बनाए थे, उधर अभी गए ही नहीं थे, तो आकर के अफरोजा खातून उसको काट दिया रास्ता को, कटवा करके और 2 गाड़ी ट्रैक्टर में वो जो है रोड़ा लेकर आई और रोड़ा चलवाना शुरू कर दी। अपने उसका 2 भाई भी रोड़ा चलाया, जो ट्रैक्टर को हम लोग अपने अंडर में कर लिए हैं। इसके बाद जो वो रोड़ा चलवाना शुरू किया, जिससे हमारे गांव के 2-4 लड़के जो है इंजॉयड हो गए हैं। उसके बाद प्रशासन आई, गोविंदपुर से प्रशासन भी आया, हमारे सतगामा भी प्रशासन आया, लेकिन तब भी अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। लेकिन पूरे हम लोग को मुखिया जो है अफरोजा खातून। नवादा से उपेंद्र राज की रिपोर्ट।